शहर के बालाराम जोशी आदर्श कन्या विद्यालय दुर्ग शाला परिवार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अभिनव पहल की जा रही है। श्रावण मास से ही कई धार्मिक व पूजा का आयोजन शुरू हो चुका है। इसी समय से मंदिरों के साथ तालाबों में पूजा का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालु पूजा के विभिन्न सामग्रियां प्लास्टिक की थैली में लेकर आते हैं, जो हमें विरासत में मिली तालाबों और नदियों में बहा दी जाती है। इससे आसपास के घाटों में भी बड़ी संख्या में प्लास्टिक इकट्ठा होता जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए स्कूल के शिक्षक और छात्राएं मिलकर प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए आमजनों में जागरूकता की अनुकरणीय पहल कर रहे हैं। बालाराम जोशी आदर्श कन्या विद्यालय दुर्ग विद्यालय परिवार की ओर से तीज त्योहार के मौके पर इस अभियान की शुरुआत दुर्ग के सिविल लाइन स्थित शीतला मंदिर तालाब में की गई, जिसे काफी अच्छा प्रतिशत मिला। शहर की जनता को पहली बार इस जागरूकता से दिन भर साफ सुथरे घाट में पूजा करने का मौका मिला। इस अभिनव पहल की आमजनों ने काफी सराहना भी की। इसे देखते हुए गणेश जी के विसर्जन के मौके पर भी विद्यालय परिवार की ओर से प्लास्टिक मुक्त घाट के लिए अभियान चलाया गया। इस अवसर पर विसर्जन के लिए आने वाले भक्तों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही उन्हें एक पौधा भी भेंट दिया गया। इसके साथ ही प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए कपड़े से बने थैलों का भी निःशुल्क वितरण स्कूल की छात्राओं ने किया। शीतला घाट में ही लाउड स्पीकर से स्कूल के शिक्षक लगातार विसर्जन के लिए आए भक्तों को कम प्लास्टिक उपयोग करने या न करने के लिए जागरूक करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1 अक्टूबर को प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का आह्वान देश की आम जनता से किया है, जिसके लिए व्यापक रूप से देश की जनता भी इस अभियान से जुड़ने जा रही है। इस अभियान की सूत्रधार आदर्श कन्या विद्यालय दुर्ग के प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल ने बताया कि एक बार वो इस घाट में पूजा करने आई थी तो देखा कि लोग काफी मात्रा में प्लास्टिक और पूजा की सामग्रियां तालाब में छोड़कर जा रहे हैं, जिससे काफी मात्रा में प्लास्टिक और गंदगी इकट्ठा हो रही थी। इसे देखकर इस पहल की शुरुआत की प्रेरणा मिली और उनकी पहल में विद्यालय परिवार की ओर से शिक्षकों एवं छात्राओं का पूरा सहयोग भी मिला। हम बियाजे शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आए हुए हैं। मैं प्राचार्य, मेरा स्टाफ और बच्चे, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हुए हैं। ये प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान इन्होंने चलाया हुआ है और ये आज दूसरा दिन है जो इन्होंने चलाया। एक तो गणेश चतुर्थी के दिन, क्योंकि एक दिन पहले तीजा रहता है, तो तीजा की सामग्री, जो पूजन सामग्री होती है, तो यहाँ की दुर्ग शहर की जो भी महिलाएं हैं इसी तालाब में लाके ठंडा करती हैं। और फिर अभी आज अनंत चतुर्थी के दिन भी हमने ये शिविर लगाया, इनका एक अभियान चलाया है कि जो भी अभी गणेश जी को ठंडा करने आ रहे हैं तो प्लास्टिक मुक्त तो करें, साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने गणेश जी ना पूजन करें। ये खुद स्वयं से मिट्टी का गणेश जी बनाएं, घर में ही उसका विसर्जन कर लें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें, और करें भी तो यहाँ पर यहाँ वहाँ ना फेंकें। अपने साथ यदि डस्टबिन दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो अपने साथ वापस ले जाएं, अपने घर के डस्टबिन में डाल दें, उसका ठीक से निस्तारण करें। एक्चुअली में क्या हुआ था, हम महिलाएं हरछठ का व्रत रखते हैं, तो मैं भी हरछठ का व्रत रख के दूसरे दिन यहाँ पर सामग्री को ठंडा करने के लिए, शाम को सामग्री ठंडा करने आई थी। तो मैं यहाँ देख रही थी कि सब पूरा पॉलीथिन में सामग्री लेकर के आए थे, और पॉलीथिन समेत होल जरूर रहे थे उसका ऊपर का टॉप, लेकिन पॉलीथिन समेत ही तालाब में बहा दे रहे थे। अब उस समय तो खैर मैं और मेरे साथ 2-3 महिलाएं और थी, तो मेरे को जिनको रोकते बना बोलते बना मैंने बोला, लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया कि इस तरह से तीजा के दूसरे दिन भी होगा, अनंत चतुर्थी के दिन भी होगा, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ इस जागरूकता कार्यक्रम को यहाँ करूँ। के अभी बच्चे और स्टाफ समस्त यहाँ उपस्थित हुए थे, हमने लोगों को अवेयर किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आपकी पॉलीथीन का यत्र तत्र ना फेंकें। पॉलीथीन उपयोग करने के बाद हमारे गार्बेज बैग था, हमने लाया हुआ था, उसमें डालें। अभी हम देख रहे हैं कि वही लोग, करीब करीब वही लोग आए हैं उस दिन के हमारे अपील पर। लोग अभी हम स्वयं देख रहे हैं कि वो पन्नी को इधर उधर ना फेंक के उसका उचित निष्पादन कर रहे हैं, यत्र तत्र नहीं फेंक रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ उसमें जागरूकता तो आई है लोगों में। गणेश विसर्जन के दौरान हम लोग यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति और केमिकल रंगों का उपयोग ना करें, और पानी में उन्हें, मतलब आगे अगर वो स्थापित कर दिए हैं तो आगे जब अगले साल जब गणेश जी बैठेंगे तो उसको ना ले, घर से बनी या मिट्टी की बनी हुई मूर्ति का उपयोग करें और प्लास्टिक को पानी में ना बहाएं, इधर उधर ना फेंकें। वह हम गार्बेज बैग लाए हैं,
उसमें उसको डालें। हम लोग उनको अपने एक मुफ्त में फ्री में एक कपड़े से बना झोला भी दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, जिससे कि वो जब कहीं भी जाएं तो अपने साथ लेके जाएं और जो भी सामान खरीदे वो उसका उपयोग करें और प्लास्टिक के जो बैग्स आ रहे हैं उनका उपयोग ना करें। और एक हम उनको पौधा भी दे रहे हैं मुफ्त में, जो वो अपने घर के आंगन या कहीं पर भी लगाएं और उसकी देखभाल करें, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वह प्रदूषित होने से बचे। प्रयास बच्चों के द्वारा जो किया जा रहा है सराहनीय है, मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा हमारे प्रदेश में हमारे एरिया में किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत इसका सराहना करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पिछले साल भी हर साल गणपति विसर्जन के लिए आती हूँ, वो उस समय का और अभी का थोड़ा अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा सा दिख रहा है, कुछ मेरे को डिफरेंट तो लग रहा है। वैसे बच्चों का प्रयास है, अच्छी बात है। कहना चाहेंगे कि प्लास्टिक को बहुत कम से कम उपयोग करें, और यही, और थैला मतलब कहीं मार्केट में प्लास्टिक का उपयोग बहुत कर रहे हैं, हम यहाँ पे थैला दे रहे हैं कि थैले में अपना सामान रखें और प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करें। उन लोग मतलब सब खुश हो रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।